हाय गाइस, मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और ये हमारे इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम का थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट्स के साथ इंग्लिश कैसे बोलना है ये आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, साथ साथ में इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, और वो ये बात है कि जब भी आपने इंग्लिश में नोटिस किया होगा सिंगुलर से प्लुरल करना होता है तो हम अक्सर एस लगा देते हैं। जैसे अ बॉय है, एस लगा दिया, बॉयज हो गया। अ गर्ल है, एक अ इंग्लिश में एक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वहीं हमने गर्ल के आगे एस लगा दिया तो गर्ल्स हो गया, तो हम देख रहे हैं कि एस लगाते ही वो बहुवचन में हो जा रहा है। लेकिन कभी कभी आप नोटिस करोगे दोस्तों कि अ मैंगो है, लेकिन यहां पर आपने एस नहीं लगाया है बल्कि ई एस लगाया है। तो ये बात क्या है, ये बात हम वीडियो के अंत में जानेंगे कि हम कब कब ई एस लगाते हैं इंग्लिश में किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे ताकि वो बहुवचन हो जाए, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और अनकंडीशनल केसेस हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो के मेन मुद्दे को, और वीडियो का मेन मुद्दा ये है कि आप ऑब्जेक्ट्स के साथ इंग्लिश कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आप इस दुनिया में कोई भी भाषा बोलेंगे तो उसमें तीन चीजें अक्सर छुपी हुई रहती हैं, ठीक है। एक तो आपका कर्ता, उस वाक्य में कोई ना कोई कर्ता जरूर होगा। आप जो भी वाक्य बोलेंगे ना, वो किसी ना किसी को टारगेट करके बोलेंगे। जैसे कोई एक आदमी हो सकता है, एक लड़की हो सकती है, एक वस्तु हो सकता है, हम, तुम, वे, सारे चीजें आपकी कर्ता की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। साथ साथ में दोस्तों, उस वाक्य में ना जरूर कहीं ना कहीं आप समय का आभास कराओगे। जैसे हिंदी में जैसे कोई वाक्य है हो हूं से एंड होगा तो आप समझ जाएंगे कि वह वर्तमान काल में है, प्रेजेंट टेंस में है। था ते थी से एंड होगा हिंदी का कोई भी वाक्य, आप समझ जाएंगे कि वह भूतकाल है, पास्ट टेंस है। वही गागे गी से एंड होगा तो आप समझ जाएंगे कि वह भविष्य काल है, फ्यूचर टेंस है। वैसे इंग्लिश में भी कुछ शब्द बने हुए हैं जिनके वजह से आप उन कर्ता के आगे अगर उनको लगा देंगे तो उनके कालखंड, उनके समय का आभास होने लगेगा। बहुत ही आसान शब्द है, ठीक है। अब आता है तीसरा पार्ट, और उस वाक्य में तीसरे पार्ट में ना दोस्तों जो होगा वो बदलता रहता है। जैसे कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें हमारा जो तीसरा पार्ट था वो कर्ता, जो क्रिया कर रहा है उसके बारे में थी, ठीक है। यहाँ पे क्रियाएं थी, जैसे कर्ता कुछ क्रिया कर रहा है, वह खेल रहा है, तुम भाग रहे हो, हम नहा रहे थे, वह गा रहा होगा, सारे कालखंड के हिसाब से कर्ता कुछ ना कुछ क्रिया कर रहा था। वो मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है सेकेंड वीडियो में दोस्तों। ये जो थर्ड पार्ट है हमारा, यहाँ पर एडजेक्टिव्स थे, विशेषण थे, इन कर्ताओं के बारे में कुछ विशेषता थी, जैसे वह मोटा है, तुम पतले हो, वह लंबा होगा, हम छोटे होंगे, ऐसी बहुत सारी बातें जो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की मैंने सेकंड वीडियो में, जहां पे आपके कर्ता का कालखंड के हिसाब से उसकी विशेषताओं को मैंने बहुत ही प्यार से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा थर्ड वीडियो है, और इसके बाद हम ना सवाल जवाब कैसे करते हैं, सवाल को समझना कैसे है और उसका जवाब क्या देना है, ये वीडियो इसके बाद आएगा, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये तीनों वीडियो आपने लाइन से देख रखे हो, और जो लोग नए हैं इस वीडियो पे डायरेक्टली आए हैं उनसे मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि उस दोनों वीडियो को भी जरूर देख लेना दोस्तों, ठीक है। आओ चलते हैं मुद्दे पे डायरेक्टली, और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशली इस चीज को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों, जब भी आप कर्ता के बारे में बात कर रहे हो, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, अक्सर या तो एक व्यक्ति का नाम होगा, जैसे मनोज खेल रहा है, मनोज लंबा है, मनोज भाग रहा है, तो यहां पर आप मनोज के बारे में बात कर रहे हो, तो एक ही नाम है तो आप उसको इंग्लिश में भी नाम लिख के चलोगे कि मनोज इज प्लेइंग, मनोज इज टॉल, ऐसे। वही एक लड़का, अगर आप एक लड़के का आभास आ रहा है, जैसे वह खेल रहा है, वह मोटा है, सो वहां पे एक लड़के का आभास हो रहा है तो वहां पे एच ई ही। वैसे ही अगर आपको एक लड़की का आभास होगा तो एस एच ई शब्द, शी शब्द बना हुआ है। वही एक वस्तु के लिए आई टी, इट शब्द बना हुआ है। बहुत सारे नाम होंगे तो आप बहुत सारे नाम साथ में लिख लोगे कॉमा लगा के। वे या वे सबके लिए दे शब्द बना हुआ है। तुम या तुम सबके लिए यू बना हुआ है। हम या हम सबके लिए, यानी मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे तो डब्ल्यू ई वी बना हुआ है। और मैं के लिए आई इंग्लिश में शब्द बना हुआ है, ठीक है। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है मेरे को दोस्तों, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट वाली बात आई है तो ऑब्जेक्ट वाले केस में ज्यादा करके आपका इंग्लिश में इट और दे इस्तेमाल होने वाला है। इन दोनों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये निर्जीव होती हैं, और इन निर्जीव के लिए ही इट वाला शब्द का ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक वचन होगा तो बहुवचन के लिए आपके पास जो प्यारा सा शब्द बना हुआ है वो है दे, ठीक है। अब बात करते हैं इट और दे में भी, देखो मैंने देखेंगे आप तो मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जो इसके पहले नहीं बताया था क्योंकि इसके पहले इतनी जरूरत नहीं थी। अब देखो, दिस है और दैट है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं इट यानी एक वचन के लिए, ठीक है। जैसे एक मार्कर है ये, तो मैं अगर ये नजदीक भी है ना मेरे को बोलना है यह मार्कर है तो मैं बोलूंगा इट इज अ मार्कर। दूर है तो भी मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ मार्कर। लेकिन गाइस, इंग्लिश में इसको सिंप्लीफाई किया गया है। अगर नजदीक है तो आप उसको दिस इज अ मार्कर बोलोगे, दूर है तो
दैट इज अ मार्कर। तो ये आप इंग्लिश को और आसान कर रहे हो सामने वाले को समझने के लिए कि भाई वो वस्तु जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो आपके नजदीक है या दूर है। वही गाइज अगर बहुवचन की बात की जाए, ठीक है, जैसे दे, अब देखो गाइज दोनों केसेस में मैं बोल सकता हूं, जैसे यहां पे नजदीक है मेरे मार्कर तो मैं बोलूंगा दे आर मार्कर्स, दूर है तो भी मैं बोलूंगा दे आर मार्कर्स। लेकिन उसके लिए भी और आसान करने के लिए कुछ शब्द बने हैं, नजदीक है तो दीज, दूर है तो दूज, जैसे देखिए दीज आर मार्कर्स और दूर है तो दोज आर मार्कर्स। दोनों केस में मैं दे आर मार्कर्स बोल के अपना काम चला सकता था। तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है जो दिखने में तो बहुत छोटी है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा रहता है इंग्लिश भाषा को बोलते वक्त, ठीक है। और अब बात आती है कि क्या शब्द बने हुए हैं कालखंड के हिसाब से जो डिजाइन की गई है। तो आप देख रहे हो गाइस कि जो हमारा सब्जेक्ट है ना तो वो एक वचन और बहुवचन में डिवाइडेड है। जहां जहां पे आपको एक आदमी के व्यक्ति के होने का आभास हो रहा है वो एक वचन है, जहां पे एक से ज्यादा हो जाता है वहां पे आपका बहुवचन होने लग जाता है। आई एक स्पेशल केस है जिसके बारे में हम कभी बाद में बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो वर्तमान काल में एक वचन के साथ में सारे एक वचन के साथ में वर्तमान काल में आई एस इज लगेगा और सारे बहुवचन के साथ में ए आर ए आर लगेगा और आई के साथ एम लगेगा, ठीक है। पास्ट टेंस में ये बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने पीछे वीडियोस में, फिर भी वापस अच्छे से बता दे रहा हूं एक बार। फिर वही भूतकाल में जहां पे था थे थी से एंडिंग हो रही होगी हिंदी में, वहां पे आप एक वचन के कर्ताओं के बाद में डब्ल्यू ए एस वॉज लगा दोगे और बहुवचन के कर्ताओं के बाद में डब्ल्यू ई आर ई वर लगा दोगे। आई फिर से देखो एक स्पेशल केस है जहां पे वॉज और वर दोनों लगाओगे तो भी पूरी तरह से सही है और इसका ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन में बाद में कभी बहुत अच्छे से दे दूंगा, ठीक है। भविष्य काल में क्या है, आई और वी के साथ में बाद में मतलब अक्सर शाल भी लगेगा और बाकी सब के साथ में विल भी लगेगा। और आप यकीन मानो गाइस अगर आपने आई और वी के साथ में भविष्य काल में विल भी लगा के बोल दिया ना तो आप बोलने में अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा गाइस, ग्रामेटिकली भले गलत हो जाए तो वहां पे आप शाल भी लगाओगे तो वो ग्रामेटिकली भी 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कनेक्शन और ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये तीसरा वीडियो है इसमें भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब सवाल जवाब की बारी आएगी ना तब आपके सामने ये सब चीजें मुसीबत ना बने, इसके लिए मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब बात करते हैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स की गाइस, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट्स होगा, वस्तु होगा, इट और दे ज्यादा करके इस्तेमाल होगा, ठीक है। बट कभी कभी आपको ही, शी, यू और वी का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जैसे देखिए वह लड़का है, एक लड़के के बारे में बात हो रही है और है, ठीक है, तो ही इज अ बॉय। वह लड़का था, ही वॉज अ बॉय। वह लड़का होगा, ही विल बी अ बॉय। तो वहां पे आपका ही इस्तेमाल हो रहा है। वहीं अगर ये लड़की वाली बात होगी, वह लड़की है, शी इज अ गर्ल। वह लड़की थी, शी वॉज अ गर्ल। वह लड़की होगी, शी विल बी अ गर्ल, ठीक है। यहां पर समझ रहे हो इनका कनेक्शंस कितना इंपॉर्टेंट है। वहीं दे और यू में भी कभी काल, सॉरी यू और वी में भी आपको कभी काल इसको इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ठीक है। मगर ज्यादा करके जो इसका फोकस रहने वाला है गाइस वो इट और दे पे रहने वाला है क्योंकि ज्यादा करके वस्तुएं निर्जीव है और उसके लिए इट और दे का इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा करोगे, ठीक है। अब ये चीज आपको कैसे लगानी है ये आपको बहुत अच्छे से देख के समझ में आ रहा होगा। चलते हैं टॉपिक की थोड़ी गहराई में, ठीक है। अब यहां पे देखिए वे, जैसे अभी ये मार्कर है ना, तो वे मार्कर हैं, ठीक है। तो दे अगर नजदीक है तो दीस, दूर है तो दोज, लेकिन अभी मैं फिलहाल जर्नली वे मार्कर हैं, सो दे आर अब अ नहीं लगेगा, ठीक है, सीधा मार्कर्स लग जाएगा क्योंकि अ इंग्लिश में एक वचन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ही आपने देखा कि मैंने इनके आगे एस लगा दिया तो ये बहुवचन हो गए और वहां से ए को भी आपको हटाना है, इनका कनेक्शन बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है। वह यह किताब है, पहले तो वह किताब है तो इट इज अ बुक, लेकिन नजदीक है तो दिस इज अ बुक, दूर है तो दैट इज अ बुक। यह किताब थी, ठीक है, तो इट वॉज अ बुक। ऐसे इसका और इसका कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में आपको एक के साथ में अ लगाना है और बहुत के साथ में एस लगा देना है और आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है, इनके कनेक्शन को बहुत अच्छे से समझते हुए। अब बात करते हैं गाइस मोटी वाली, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर बार हम एस लगाते ही बहुवचन कर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। कभी कभी आप देख रहे हो जैसे मैंगो वाला केस है, तो मैंगो वाले केस में गाइस ई एस लगा दिया तो वहां पर आपने ई एस क्यों लगा दिया एस लगाने के लिए। तो ये बात जानने से पहले ना गाइस, पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक वचन के साथ क्या स्पेशल केस है, फिर हमारा लास्ट टॉपिक हम इसके बारे में बात कर लेंगे मैंगोज वाले। तो दोस्तों एक वचन में क्या हो रहा है जरा ध्यान दो, जब भी इंग्लिश के शब्द
जब भी किसी ऑब्जेक्ट के इंग्लिश के शब्द ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा तब हम उस एक वचन में ए नहीं लगा के ए एन एन लगाएंगे। ओके, ये बात बचपन से बहुत अच्छे से बताई गई रहती है, ठीक है। इनको वॉवेल्स भी कहते हैं इंग्लिश में, बाकी सारी चीजें कॉन्सोनेंट्स होती हैं। तो वॉवेल्स के साथ जब भी कोई इंग्लिश का शब्द स्टार्ट होगा तो उसके आगे हम ए एन एन लगाते हैं। जैसे देखो एक एप्पल है तो अब हम क्या बोलेंगे, इट व एप्पल है, सो इट इज एन एप्पल। एक हाथी है, सो इट is an elephant, वह हाथी था, it was an elephant, क्योंकि भाई it was हो जाएगा, वह हाथी होगा, it will be an elephant। वही ink है, एक ink है, देखो ink है, so it is an ink, क्यों, क्योंकि a e i o u से start हो रहा है। वही उल्लू आउल के लिए देखो o से start होगा तो भी n लगेगा, umbrella छाता है जो English में वो u से start हो रहा है, वहां पे भी आपका a n n लगेगा एक वचन के लिए, ठीक है। ये बात तो बहुत लोग बता चुके रहते guys, अब जरा सा कुछ और बात कर लेते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं ना दोस्तों, जैसे देखो यहां पे मैन एक वचन है, एम ए एन, ही इज अ मैन, ओके, हमेशा अ लगेगा ही लगेगा एक वचन में, ठीक है। ही इज अ मैन, वह एक आदमी है, ही इज अ मैन। लेकिन यहां पे बहुवचन करने के लिए आपको एस भी नहीं लगाना है ना ही ई एस लगाना है, यहां पे आप खाली एम ई एन लिख दोगे तो ये बहुवचन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बहुत ही स्पेशल केस था जहां पे आप एक वचन से बहुवचन की तरफ जा रहे हो और उसमें क्या बदलाव करना है। आप एम ए एन एस लिख दोगे तो वो इंग्लिश में गलत हो जाएगा और रियल टाइम में भी गलत हो जाएगा, उसको मैन पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ने में तो दोनों सेम ही लग रहा है, अ मैन अ मैन, थोड़ा सा है डिफरेंस। वही वुमेन, अ वुमेन, और बहुवचन में वुमेन हो जाएगा, विमेन हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस यहां पे देखिए, अगर आपको ऐसे कुछ एग्जांपल्स और आपके दिमाग में आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके हमको बताना ये बात। और एक एक स्पेशल और केस के बारे में बात कर लेते हैं जहां पे आपके इंग्लिश में ऑब्जेक्ट्स के स्पेलिंग्स वाई से एंड होंगी। देखो यहां पे चेरी, तो यहां पे स्ट्रॉबेरी, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये फूल है, फल है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, बर्ड्स है, या फिर आपके घर के सर सामान है, उनको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो वहां पे आपकी एंडिंग अगर y से होगी तो उस y को हटा के i e s लग जा रहा है, ठीक है। जैसे चेरी में, चेरी की स्पेलिंग्स में देखो y हट गया और i e s हो गया, स्ट्रॉबेरी में y हट गया और b e r r के बाद i e s लग गया। सो गाइस यहां पे एक और बहुत ही स्पेशल केस आया है जहां पे आप एक वचन से बहुवचन कैसे करोगे, ये बात आपको समझा रहा हूं मैं। और अगर आपको ऐसे एग्जांपल्स और आपके दिमाग में आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट में हमें भी बता देना। अब आते हैं हमारे ब्रह्मास्त्र पे, जो सबसे बड़ा मुद्दा था गाइस हमारा इस वीडियो का, और वो ये था कि एस और ई एस कब लगाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब भी एक वचन वाला केस होगा हम स्पेलिंग की स्टार्टिंग को देखते हैं। देखो यहां पे हम स्पेलिंग के ना स्टार्ट को देख रहे हैं एक वचन में, ए ई आई ओ यू कब लगाना है यहां पे देखो। लेकिन लेकिन कब आपको ई एस लगाना है गाइस, ई एस के लिए ना आपको, ई एस के लिए आपको एंडिंग अल्फाबेट्स देखना है। क्या देखना है, एंडिंग अल्फाबेट्स, यानी जो भी शब्द, सॉरी गाइस, एंडिंग अल्फाबेट्स देखना है गाइस, ठीक है। तो यहां पे आप स्टार्टिंग अल्फाबेट्स देख रहे हो, देखो ध्यान से आपने स्टार्टिंग के हिसाब से ए एन एन लगाया है, ठीक है, स्टार्टिंग अल्फाबेट्स। और एक ही को देखना है इसके लिए हम अल्फाबेट लिखेंगे, स्टार्टिंग अल्फाबेट। लेकिन ई एस कब लगाना है इसके लिए हमको एंडिंग अल्फाबेट्स देखना है। अब ऐसे कौन से अल्फाबेट्स से एंड होगा इंग्लिश का शब्द का इंग्लिश स्पेलिंग, वो देखिए अब जिसमें आपको ई एस लगाना है कब कब ऐसा होगा। दोस्तों जब भी कोई इंग्लिश का स्पेलिंग एस से एंड होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, किसी के नाम की बात नहीं कर रहा, याद रखना, ऑब्जेक्ट एस से एंड होगा या फिर डबल एस से एंड होगा या फिर एस एच से एंड होगा या फिर सी एच से एंड होगा या फिर ओ से होगा या एक्स से होगा या जेड से होगा, तब तब आपको उसके आगे ई एस लगाना है प्लूरल करने के लिए, बहुवचन करने के लिए, ठीक है। आओ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जैसे एस वाला एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जी ए एस गैस, और अगर इसको मेरे को बहुवचन करना है ना गाइस तो मैं इसके आगे ई एस लगाना पड़ेगा। ये सबसे शानदार एग्जांपल एस का है। अगर आपके दिमाग में कुछ एग्जांपल्स आते हैं तो कमेंट में बताते रहिए। अब डबल एस वाला एग्जांपल ले लेते हैं, तो डबल एस वाले में जैसे देखो ग्लास है, ठीक है, ग्रास है,
तो ग्लास का ग्लासेस हो जाएगा और ग्रास का, इनको मिटा के ना गाइस इनको आगे एक्सप्लेन करता हूं। देखो इसका ग्लास का क्या हो जाएगा, ग्लासेस, और ग्रास का क्या हो जाएगा, ग्रासेस। ठीक है, एस से हो गया, डबल एस से हो गया। अब सी एच की बात करते हैं, सी एच से एंड होने वाली स्पेलिंग कौन सी है, एक एग्जांपल जैसे ब्रांच है, बी आर ए एन सी एच। ठीक है, तो इसको बहुवचन करना है तो ब्रांचेस, बी आर ए एन सी एच ई एस। ठीक है, अगर आपको कुछ और आ रहा है तो प्लीज कमेंट बताते रहना। और यहां पर एस एच से अगर एंड होगा गाइस, एच एस से एंड होगा तब भी आपका ई एस लगेगा। जैसे एग्जांपल है एफ आई एस एच फिश, तो यहां पे आप एफ आई एस एच ई एस लिखोगे, फिशेस। ओके, ये एक दो तीन चार। अब इसके बाद जो आता है ना गाइस, वो है ओ। जब भी आपका ओ से एंड होगा, देखो ओ वाला एग्जांपल यहां लिखा हुआ है, अगर आपका मैंगो है, टोमेटो है, पोटैटो है, एग्जांपल मैं आपको और भी दे सकता था लेकिन वीडियो लंबा करके मतलब नहीं है, आइडिया इंपॉर्टेंट है। अगर आइडिया आपके दिमाग में धस जाता है तो मुझको लगता है मेरा काम हो जा रहा है। तो वही मैंगो से हो जा रहा है मैंगोज, और एक्स से एंडिंग जो होता है जैसे फॉक्स, ठीक है, तो हो जाएगा फॉक्सिस, ऑक्स है तो ऑक्सिस। वहीं पे लास्ट आपका जेड है, जेड से अगर एंड होगा तो भी आपको ई एस लगाना पड़ेगा, जैसे बज, बज यानी भिनभिनाना, फज यानी भी भिनभिनाने जैसे कुछ होता, तो बज है तो यहां पे आपका बजेस हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये हमारे वीडियो का ना सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आखिरी में एक्सप्लेन की है कि आपको प्लूरल करने के लिए ई एस कब लगाना है। ठीक है, और इसके अलावा सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली वीडियो में एक्सप्लेन्ड है। अब इसके बाद जो होने वाला है ना गाइस, मैंने ना इंग्लिश की ना एक चौथाई को ना बहुत ही अच्छे से, एक चौथाई से थोड़ा ज्यादा को बहुत अच्छे से रख दिया है आपके सामने। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आप वाक्य तो बना लोगे, आपके जहन में कोई भी एक वाक्य आएगा इन तीनों वीडियोस के बाद, आप हर एक वाक्य इंग्लिश में बना लोगे। अब सवाल ये आता है कि आप इसको बातचीत में कैसे इस्तेमाल करोगे। तो बातचीत में इस्तेमाल करने के लिए आपको सवाल जवाब करना पड़ेगा, और सवाल जवाब करने के लिए आपको सवाल इंग्लिश में कैसे की जा रहा है, क्या सवाल पूछा जा रहा है ये समझना है, साथ साथ में उसका जवाब क्या देना है। तो इसका एक शानदार वीडियो इसके बाद आने वाला है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद और जय भारत।